बेटा, बुआ को कौन पूछता है अब? बुआ को कोई नहीं पूछता। बुआ के गए जमाने, बुआ का भी टाइम था, बुआ को भी सब पूछते थे। अब तो बस तुम्हारा ही घर है, हमारा तो अब कुछ है ही नहीं। तुम्हारा ही अब तो बेटा, कोई नहीं बुआ को फोन करता। हाँ देख, तेरी मौसी पहले ही आ गई ना तेरे बर्थडे पे। बुआ का आना जरूरी नहीं है, मौसी का आना जरूरी है। देख मौसी आ गई पहले, मामा भी आए हैं तेरे। तेरी माँ ने एक फोन नहीं करा कि तेरे फूफा भी आ जाते? ना 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 ना, क्या मतलब? तेरी माँ को, बेटा मैं तो तेरा मुँह देख के आ गई, मुझे अपने भाई भतीजों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है मुझे अपने भाई भतीजों से, इसलिए मैं आई। मेरे दिल की खुशी देख, मैं इसलिए आई हूँ। और मैंने तेरे फूफा जी से कह दिया, चाहे कुछ कर लो तो मैं जरूर जाऊंगी, मुझे अपने भतीजे से बहुत प्यार है। मेरी भाभी कैसी भी है, कोई बात नहीं, वो मुझे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी। देख बेटा, ना 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 ना, मैं आई हूँ तेरे प्यार की वजह से, मैं नहीं केक वेक कटवाती, तू जा। तेरी मौसी, हाँ देख वो खड़ी है पहले से ही, तेरी मौसी कटवाएगी। फूफा जी को क्या करती लाती जब तुमने मुझे ही नहीं बुलाया ढंग से? अरे फोन तो करती ढंग से, इनसे मेरे पति से बात करती, कहती आना लाना, दीदी को लाना। तेरी माँ को कोई मतलब ही नहीं है, तेरी माँ को कोई मतलब नहीं है। तेरी माँ तो बस अपना बहन, अपना भाई, अपनी बहन, बस तुम्हारे अपने पीहर वालों को ही जानती है, वो हमें नहीं जानती। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहूँ, मुझे बहुत दुख है बेटा, लेकिन क्या करूं, मैं कुछ नहीं कह पा रही। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है मेरे भतीजे का जन्मदिन, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत।